निर्वाणा कंट्री कम्युनिटी ग्राउंड में मजदूर दिवस पर डोमेस्टिक कम्युनिटी निर्वाणा की हेड पूजा ने निर्वाणा सोसाइटी की महिलाओं के लिए चित्र अग्रवाल लेबर क्लास के लोगों को पेटीएम के बारे में बताया। उसके अलावा लोगों को यह भी जानकारी दी कि अगर टीम में आग लग जाती है तो उसे कैसे काबू करते हैं। इस मौके पर निर्वाणा सोसाइटी के 400 लोग मौजूद रहे और उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम इस मौके पर किया गया। इस कार्यक्रम में योगदान रहा रेखा, अर्चना सिन्हा, टीनू बाबा और विजय का। आज हम लोगों ने पर्टिकुलरली ये प्रोग्राम इसलिए रखा था कि हम अपनी डोमेस्टिक हेल्प को, मेड्स को और सर्वेंट्स और भी कोई है उनको ये सिखा सकें कि पास बनवाएं, अकाउंट खुलवाएं, पेटीएम करें। अवेयरनेस के लिए एक उनके लिए इनिशिएटिव लिया है मजदूर दिवस का। उनको कोई भी काम होगा ये हमें अब तो सीधे आके बोलेंगे, हम इनकी पूरी हेल्प करेंगे। अकाउंट खुलवाने में, कभी इनके घर में कोई हादसा हो जाए, इंश्योरेंस दिलवाने में, हम हर तरह से इनकी मदद करेंगे। आप जी, आज जो मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे एक DHC के डोमेस्टिक हेल्प कमेटी, जो कि निर्वाणा कंट्री का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, इसमें हमारे यहाँ पे अराउंड 400 मजदूर लोग आए हैं जो कि डोमेस्टिक हेल्प है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, हॉर्टिकल्चर है, वर्किंग स्टाफ है, जिनके लिए हमें अलग अलग सुविधाएँ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि पेटीएम, बैंक अकाउंट खोलना, फायर ड्रिल की बहुत इंपॉर्टेंट है, आग लग जाती है इनके बस्तियों में तो कैसे बुझाया जाए, ये सब हम इनको शिक्षा दे रहे हैं। उसके अलावा भी हम ये दिवस इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ही बढ़िया भोजन का प्रायोजित किया हुआ है ताकि ये लोगों को भी लगे कि ये एक हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है। और वही हम चाह रहे हैं कि निर्वाणा रेजिडेंट्स हैं वो भी बाकी सोसाइटी को दिखाना चाह रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि आप अपने लोग जो आप। नमस्कार, मेरा नाम निर्मा वडाला है, हम निर्वाणा कंट्री के रेजिडेंट्स हैं। एंड ये भी ओकेजन, मजदूर दिवस के ओकेजन पे हम लोगों ने मिलके ये कार्यक्रम को स्थापित किया है, ये इनिशिएटिव लिया है निर्वाणा कंट्री के मेंबर्स ने कि हम अपने सारे जो हमारे काम करने वाले सब लोग हैं, हमारे मेड्स, चौकीदार, सफाई करने वाले कर्मचारी, सब लोगों को हम उनके साथ सेलिब्रेट कर पाएँ। एक साल में एक बार ही आता है तो हम सब ने इनिशिएटिव लिया है कि उनका खाने पीने का ध्यान रखा जाए। उसके अलावा क्या इम्पॉर्टेंट है कि इनके लिए बैंक अकाउंट्स खोलने की ऑप्शन यहाँ पर दी गई हुई है ICICI बैंक के द्वारा, और पेटीएम ने अपना स्टॉल यहाँ पर लगाया है। उन सब मेड्स को हेल्प कर पाएँ कि वो अपने आप कैसे अपने आप को थोड़ा इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, इंश्योरेंस के लिए भी उनको बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ताकि यू नो उनकी लाइफ में कोई भी घटना ना घटे वैसे तो, बट उसके लिए एटलीस्ट ये लोग अवेयर हों। कहना चाहूँगी कि आज के दिन हम इनको बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए मजदूर या काम करने के लोग नहीं हैं, ये हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली जैसे है। तो इसलिए हम इनको पूरा यकीन दिलाना चाहते हैं कि जैसे हम अपने फ्यूचर के बारे में सिक्योरिटी रखते हैं, सेफ्टी रखते हैं, हम इनको भी ये बेसिक चीज़ें समझाना चाहते हैं कि कैसे ये लोग बैंक अकाउंट खुलवा के कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे इंश्योरेंस करवा के अपने आप को सेव कर सकती है। अभी थोड़ा टाइम पहले ही निर्वाणा में किसी एक लेडी के हस्बैंड की एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए थे, तो काफ़ी लोगों ने मिलकर उसकी मदद की, पर क्योंकि उसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं थी तो काफ़ी खर्चा हुआ। तो हम चाहते हैं कि ये जो मेड्स है ये भी थोड़ी सतर्क बने, इनको थोड़ी सी समझदारी आए कि ये लोग भी अपनी ये जो इंश्योरेंस है इंश्योरेंस करवाए, ताकि इनके साथ भी किसी के साथ भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है तो इस इंश्योरेंस का उनको टाइमली फ़ायदा हो सके। ऐसा है कि जो ये NRWA है निर्वाणा का, ये इस रेजिडेंसी सोसाइटी में जितने भी मेड्स और हेल्प्स हैं इनको ये मजदूर दिवस पे इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम किए हैं उनके पेटीएम के लिए और उनकी हेल्प के लिए। उसी के अनुसार हमने इनको सेफ्टी के बारे में भी इनके बारे में बताया है कि आप लोग घर में काम करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, आग लग जाती है तो आपको कैसे बुझाना है, क्योंकि जो मेड्स वगैरह जितने भी डोमेस्टिक हेल्प हैं ये सबसे नज़दीक होते हैं आग के, और यदि इनको थोड़ी भी अवेयरनेस है कि आग कैसे बुझानी है तो वो बड़ी आग नहीं होगी। तो आज इनको ये दिखाया गया है कि आग लगती है तो आपको आग को कैसे बुझाना है और उसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है। तो उनको हमने ये भी बताएंगे कि LPG सिलेंडर में आग लग जाए तो पैनिक नहीं होना है, उसको हम आराम से बुझा सकते हैं, वो भी तरीके भी इनको हमने समझाया है। बाकी इनको